नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिमांड फोरकास्टिंग वाला चैप्टर कंप्लीट करा था। आज इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। ये होता क्या है, फिर इसकी क्या क्या अजम्पशंस होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिर उसके बाद में इसमें जो डिफरेंट लॉज ऑफ रिटर्न्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। आज इस वीडियो में तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, फिर उसकी अजम्पशंस क्या क्या है, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है। सिंपली डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। यानी जो इनपुट्स यानी आदाएं होती हैं और आउटपुट यानी प्रदाएं होती है, उनके बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लेबर एंड कैपिटल मिला करके किसी चीज का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करा है। मान लीजिए 5 यूनिट लेबर की है, 5 यूनिट आपने कैपिटल की मिलाई, उससे कितना आउटपुट आपको मिलता है, तो इसका जो फंक्शनल या फलनात्मक संबंध है उसे प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। यानी टोटल आउटपुट जो आता है उसमें कौन कौन सी चीजें आपने इंक्लूड करी है, और यहाँ पे चीजों का मतलब है वो इनपुट से या मींस ऑफ प्रोडक्शन है उससे होता है, और मींस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें खास तौर से लेबर, कैपिटल, फिर उसके बाद में मटेरियल, ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाती है। हालांकि इकोनॉमिक्स में इन जनरल हम लोग जो स्टडी करते हैं उसमें लेबर एंड कैपिटल तक इस चीज को सीमित कर दिया जाता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन है, इसकी स्टडी करी जाती है। जैसा कि इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी स्टडी करी जाती है, उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, वैसे ही इसकी भी कुछ अजम्पशन या मान्यताएं हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन में कौन कौन सी अजम्पशंस या मान्यताएं हैं, उसमें सबसे पहले आता है सर्टेन टाइम पीरियड, निश्चित समय अवधि। यानी प्रोडक्शन फंक्शन की जो स्टडी करी जाती है उसका एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होता है, चाहे वो आपका 1 मंथ हो, 6 मंथ्स हो, या 1 ईयर हो, एक सर्टेन टाइम के लिए प्रोडक्शन फंक्शन है इसकी स्टडी करी जाती है। फिर सेकेंड एजम्पशन इसकी आती है, नो चेंज इन टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं। जिस टाइम ड्यूरेशन में स्टडी करी जाती है प्रोडक्शन फंक्शन की, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो आपके पास टेक्निक है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, और साथ ही में ये भी अज्यूम करा जाता है कि फर्म है वो बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, यानी फर्म के पास सर्वश्रेष्ठ तकनीक है, तो उसके टाइम ड्यूरेशन में, स्टडी टाइम ड्यूरेशन में इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है डिविजिबल सोर्सेज, साधनों का विभाज्य या विभाजन। यहाँ पर यह भी माना जाता है कि इनपुट्स है उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, उनको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करा जा सकता है। जो भी इनपुट होगा उसे छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि ये एक अजम्पशन है, प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करना थोड़ा टफ होता है। जैसे लेबर की एक सिंगल यूनिट होती है, कोई भी पर्सन या कोई लेबर, अब उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा जा सकता है। बट कैपिटल आपके पास में है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, लैंड आपके पास में है उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। बट इसकी स्टडी के अजम्पशन में ये अज्यूम करा जाता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है नो चेंज इन फर्म्स कॉस्ट, फर्म की लागत में कोई परिवर्तन या अंतर नहीं आता है। यानी जिस टाइम ड्यूरेशन में आपने जो इनपुट्स है वो डिसाइड कर लिए, उसके बाद में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स स्टडी टाइम ड्यूरेशन में, उसके बीच में, उस दौरान किसी भी टाइप की कॉस्ट है उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे लेबर हो, चाहे मटीरियल हो, चाहे मशीन हो, चाहे दूसरे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो। फिर नेक्स्ट इसमें आता है सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन शॉर्ट टर्म, अल्पकाल में कुछ साधन है या कुछ आदाएं होती है वो परिवर्तनशील होती है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या इनपुट्स हैं वो सारे वेरिएबल हो जाते हैं। तो उसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल इन लॉन्ग टर्म। यानी शॉर्ट टर्म में कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स हैं वो तो वेरिएबल होते हैं और रिमेनिंग है वो फिक्स होते हैं। जैसे लेबर को आप चेंज कर सकते हैं, कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, बट पीस ऑफ लैंड है उसे फटाफट चेंज नहीं कर सकते हैं, इमीडिएटली आप मशीनरी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं उनको आपको फिक्स रखना है, कुछ को वेरिएबल शॉर्ट टर्म में,
और लॉन्ग टर्म की जहां तक बात आती है उसमें एंटायर प्लांट साइज या प्लांट कैपेसिटी सब कुछ चेंज करा जा सकता है। इट मींस ऑल मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होंगे लॉन्ग टर्म में। तो ये कुछ कंडीशंस या अजम्पशंस होती हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। फिर उसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। हालांकि इसमें भी मैक्सिमम पॉइंट है वो अजम्पशंस वाले ही देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंजीनियरिंग कंसेप्ट, अभियांत्रिक अवधारणा। ये इसलिए बोला जाता है कि ये आपके इनपुट्स और आउटपुट्स है उसका रिलेशन है। तो इनपुट्स आप जितने लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग कितना आउटपुट आपको मिलता है फिजिकल टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म में, इसीलिए इसको इंजीनियरिंग कंसेप्ट है वो बोला जाता है। सेकेंड है नॉट इंक्लूडेड प्राइस, मूल्यों का समावेश नहीं। प्रोडक्शन फंक्शन में आप कितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसे मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना होता है, उसे क्वांटिटेटिव टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। यानी आपने 5 यूनिट लेबर की मिलाई, 5 यूनिट आपने कैपिटल की मिलाई, उससे मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की 20 यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस होती है, तो 20 यूनिट्स हैं उसकी क्या प्राइस है या आपका क्या रेवेन्यू जनरेट होगा वो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं करी जाती है। आपको सिंपली इतना डिफाइन करना होता है कि डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कितनी यूनिट्स आप लेते हैं जिससे कितना आउटपुट आपको क्वांटिटेटिव टर्म में मिलता है, तो इसमें प्राइस को इंक्लूड नहीं करा जाता है। नेक्स्ट आता है पीरियड, समय अवधि। ये पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन है उसका रिलेशन किसी सर्टेन टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। एक निश्चित समय अवधि से उसका संबंध पाया जाता है, चाहे वो 1 महीना हो, 6 महीने हो, या साल भर हो, या साल भर से ज्यादा का टाइम ड्यूरेशन हो। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन स्टैटिक टेक्निक्स, स्थिर तकनीकी दशा पर आधारित। ये पॉइंट भी अजम्पशन में आया है, यानी स्टडी टाइम ड्यूरेशन में टेक्निक्स में कोई चेंज नहीं आएंगे। इट मींस स्टैटिक टेक्निक पर बेस्ड होता है प्रोडक्शन फंक्शन। फिर नेक्स्ट आता है सम फैक्टर्स स्टैटिक एंड सम चेंज्ड, कुछ साधन स्थिर एवं कुछ परिवर्तनशील। ये होता है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में, अल्पकाल में कुछ मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो तो स्टैटिक यानी स्थिर रहेंगे और कुछ मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल या चेंज्ड होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है चेंज इन ऑल इनपुट्स, सभी आगतों या उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन। ये पॉइंट भी ऑलरेडी आ चुका है, यानी लॉन्ग टर्म में जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन हैं या ऑल इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे वेरिएबल देखने को मिलते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है सब्स्टिट्यूशन मेरिट, स्थानापन गुण। इसका मतलब ये है जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे 20 यूनिट्स हैं वो आप कैपिटल की ले रहे हैं और उसमें फिर 20 यूनिट्स हैं वो लेबर की ली जा रही है और उससे मान लीजिए 50 यूनिट्स है वो कोई प्रोडक्ट की प्रोड्यूस होती है। तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कैपिटल को रिड्यूस करके 10 कर दे और लेबर को इंक्रीज करके 30 कर दे, यानी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है वो करा जा सकता है, एक इनपुट को दूसरे इनपुट के साथ में स्थानापन उसका किया जा सकता है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, कैपिटल की जगह कैपिटल काम आता है एंड लेबर की जगह लेबर काम आता है, बट प्रोडक्शन फंक्शन में ऐसा अज्यूम करा गया है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सब्स्टिट्यूशन की मेरिट या क्वालिटी है वो देखने को मिलती है। तो ये इसका बेसिक है कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, फिर उसकी अजम्पशंस क्या है और उसके बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो डिफरेंट लॉज ऑफ रिटर्न्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।